अल्लाहम स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल विल बी फाइन एज नो वी आर ऑन चैप्टर नंबर फाइव कंप्यूटर नेटवर्क सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक कम्युनिकेशन अवर नेटवर्क्स ठीक है नेटवर्क uh, को यूज़ करते हुए हम कम्युनिकेशन uh, करते हैं ठीक है अब कम्युनिकेशन अवर नेटवर्क किस चीज़ को रेफर कर रहा होता है ठीक है कि रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ठीक है हम डेटा uh, को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ठीक है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एनअदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या कह सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं किसके ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं डाटा के डाटा इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे होते हैं लेकिन डाटा इंफॉर्मेशन सेंड कैसे कर रहे होते हैं हमारे पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम तो होता है चाहे वो कम्युनिकेशन मीडियम हमारे पास वायर्ड फॉर्म में हो और वायरलेस फॉर्म में हो ठीक है तो हमारे पास क्या है कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम होता है इस कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क ठीक है नेक्स्ट uh, वे, है कम्युनिकेशन थ्रू टेलीफोन लाइन टेलीफोन नेटवर्क ठीक है व्याह का मतलब होता है थ्रू ठीक है ओके टेलीफोन नेटवर्क इज नाउ कॉमनली यूज फॉर डाटा कम्युनिकेशन द मेन रीजन फॉर यूजिंग टेलीफोन नेटवर्क इज दैट इट एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है टेलीफोन नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ डी एस एल इन द फॉर्म ऑफ डायल मोडा इन द फॉर्म ऑफ डायल्प लाइन इन द फॉर्म ऑफ आई एस डी एन ठीक है सी डी एम ए तो ये हमारे पास क्या होती हैं सारी टेलीफोन नेटवर्क होते हैं ठीक है थीके? तो बहुत ही कॉमन होता है आपको पता है डी बहुत कॉमन है ठीक है जो हमारे पास टेलीफोन नेटवर्क डी है वो बहुत ही कॉमन है ठीक है और इनकी मेन रीज़न क्या है कि ये जो टेलीफोन नेटवर्क होते हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ठीक है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज़ हो रहे होते हैं ठीक है सो फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइन्स आर प्रोवाइडेड थ्रू टेलीफोन नेटवर्क ठीक है, so, networks, है? Uh, हमारे पास फ़ोर टाइप्स की यहाँ पे कम्युनिकेशन लाइन्स डिस्कस होंगी ठीक है प्रोवाइडेड थ्रू नेट टेलीफोन नेटवर्क जो किस जो टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू आपको प्रोवाइड की जा रही होती हैं, है ठीक है जैसे हमारे पास अप लाइन है नेक्स्ट हमारे पास जो कम्युनिकेशन लाइन में आता है नेक्स्ट कैटेगरी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको हम डीएसएल बोलते हैं उसके बाद हमारे पास आई एस डी एन लाइन्स ठीक है आई एस डी एन स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क लाइन्स और सी डी एम हमारे पास होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एस ठीक है सो so, ये हमारे पास फोर टाइप्स की कम्युनिकेशन लाइन है जो हमें थ्रू टेलीफोन नेटवर्क प्रोवाइड हो रही होती हैं ठीक है अब इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे ठीक है फर्स्ट हमारे पास डायलप लाइन ठीक है डायलप लाइंस को देख लेते हैं डायलप लाइंस यूज स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस फॉर इंटरनल इंटरनेट कनेक्शन ठीक है हमारे पास जो टेलीफोन लाइंस uh, uh, मतलब होती है उनके यू उनको यूज़ करते हुए हम मतलब जो डायलप लाइन्स होती हैं वो क्या चीज़ यूज कर रही होती हैं टेलीफोन लाइन्स को यूज़ कर रही होती हैं ठीक है थीके? किस लिए फॉर इंटरनेट कनेक्शंस के लिए ठीक है मतलब हमें इंटरनेट मिल रहा होता है टेलीफोन uh, लाइंस के थ्रू इट रिक्वायर्स अ डायल्प मोडैम ठीक है आपको पता है कि आपके घर में बल्कि आपने देखा होगा कि वाईफाई जब भी लगता है तो आपको उसके साथ राउटर दिया जाता है ठीक है मोडैम दिया जाता है ठीक है तो ये uh, इसको क्या चीज़ इसको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है डायलैप मोडैम ठीक है और डायलैप मोडैम क्या करता है डायर प्रोवाइड अ मैक्सिमम इंटरनेट कनेक्शन स्पीड ऑफ फिफ्टी सिक्स के बी पी ठीक है मतलब ये तो पहले यूज़ होता था फिफ्टी सिक्स के बी पी तो अब तो इसको इतना जो है वो फास्ट कहा ही नहीं जाता ठीक है लेकिन स्टार्ट में जब इंटरनेट वगैरह का जो है वो एरा था तो फिर उस टाइम पे हमारे पास डायल लाइन्स भी थी जो टेलीफोन लाइन ही आपने देखी होगी यूज़ करते हुए टेलीफोन के साथ कनेक्ट कर लेते थे, थे हम इंटरनेट को ठीक है और जो है यूज़ कर रहे होते थे उसे ठीक है तो ये भी वही है कि जो टेलीफोन लाइन स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन यूज़ कर करके इंटरनेट प्रोवाइड करती थी ठीक है तो अब डायलैप मोडैम को, को इंटरनेट इंटरने प्रोवाइड करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होता था डायलेब मोडैम चाहिए होता था इन डायलैप लाइन को ठीक है डायलैप लाइन को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए डायलैप मोडैम की रिक्वायरमेंट होती थी और ये डायल्प मोडाम हमें इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करता था इंटरनेट प्रोवाइड करता था जिसकी स्पीड हमारे पास क्या आती है फिफ्टी सिक्स ठीक है नेक्स्ट द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डायल अप लाइन इज़ डैट इट यूजेज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ टेलीफोन लाइन्स ठीक है जो डायल अप मोडाम था वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ठीक है बहुत ही डिफ़िकल्ट नेटवर्क ये कह सकते हैं बहुत ही जो पेचीदा टाइप नेटवर्क होते हैं ठीक है थीके? जिनको हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है तो uh, वो वाले नेटवर्क ये यूज़ करते थे डैट अलाउड डाटा टू बी ट्रांसमिटेड टू ऑलमोस्ट एनी लोकेशन इन द वर्ल्ड ठीक है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्यों होता था क्योंकि ये दुनिया के किसी भी कोने में ठीक है किसी भी लोकेशन पर यह क्या करते थे ये डेटा uh, को ट्रांसमिट करना अलाउ करते थे ठीक है नेक्स्ट है इट इज़ बीग आउट डेटेड आउटडेटेड मतलब ये है कि अब अब तो ये आउटडेटेड है जो Uh, जैसे इस इसको रिप्लेस किसी ना किसी ने किया होगा तो जाहिर है उसकी स्पीड में डिफरेंस होगा ठीक है कनेक्शन uh, में डिफरेंस होगा ठीक है सो so, ये तो अब आउटडेटेड हो गए ड्यू टू वेरी वेरी स्लो इंटरनेट कनेक्शन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड फिफ्टी सिक्स के बी पी एस है ठीक है के बी पी एस ठीक है जो कि बहुत ही स्लो है इस वजह से इसको किसी ना किसी ने रिप्लेस किया है जिस चीज जिसने इसको रिप्लेस किया होगा ऑब्वियसली उसकी इंटरनेट स्पीड भी ज़्यादा होगी ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डी एस एल ठीक है DSL,

डाटा ठीक है इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज थी, फ्रिक्वेंसी? फ्रिक्वेंसी थी uh, uh, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो थी वो uh, ज़्यादा थी तक वो मतलब लार्ज एरिए पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे वो हमें क्या करता था डिजिटल uh, डाटा को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता था ठीक है एनी टाइप ऑफ इंटरनेट स्पीड ठीक है इज़ टू फिफ्टी सिक्स के बी पी एस और अबव इज नॉन एज़ ब्रॉडबैंड ठीक है आपसे ये पूछा जाता था ब्रॉडबैंड बैंक क्या होते हैं वो आ, वो इंटरनेट स्पीड मतलब देखें जिसकी इंटरनेट स्पीड 256 फिफ्टी या इससे ज्यादा हो वो नेटवर्क वो क्या होते हैं हमारे पास ब्रॉड बैंक होते हैं ठीक है ब्रॉड बैंड होते हैं हमारे पास ठीक है डिजिटल डी एस एल मोडैम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप द डीएसएल इंटरनेट कनेक्शन ठीक है डी एस एल की जरूरत होती थी जैसे हमें डायल एप में इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए हमें डायल डायल्प मोडैम की जरूरत होती ठीक है इसी तरह ब्रॉडबैंड बैंड जो था हमारे पास ये डी एस एल था ठीक है ब्रॉडबैंड नेटवर्क कौन से होते हैं डी एस एल नेटवर्क होते हैं और ये वो नेटवर्क होते हैं जो हमारे पास टू फिफ्टी सिक्स के बी पी एस या इससे ज़्यादा की स्पीड जो है प्रोवाइड करें ठीक आप डी एस एल हमारे पास तो लाइन है ना एक टेलीफोन लाइन है ठीक है अब हमने इंटरनेट तो प्रोवाइड करना है इससे तो इस टेलीफोन लाइन से इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए हमें मोडाइम की जरूरत होती थी ठीक है जैसे आपने अपने घर में देखा होगा ये नया टेल और इसके राउटर्स वगैरह देखे होंगे ठीक है तो जो वायर आती है ठीक है जो आप, आपके घर में जो डी वो लगा हुआ है डी लगा हुआ है या नया टेल लगा हुआ है इसकी वायर है ना वो वायर हमारे पास क्या है टेलीफोन नेटवर्क्स आप इन टेलीफोन नेटवर्क्स के थ्रू हम हमें इंटरनेट चाहिए तो उस इंटरनेट को इंटरनेट की फैसिलिटी को अवेल करने के लिए हमें क्या चीज़ सही होती है मोडाइम की जरूरत होती है ठीक है सो डी एस एल इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती थी डी एस एल की ठीक है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ठीक है ठीके? ISP's have several DSL हैव सेवरल with different monthly rates. अवेलेबल विद डिफरेंट मंथली रेट्स आपने देखा होगा आप घर में जब इंटरनेट लगवाते हैं तो अगर आप 250, फिफ्टी टू फिफ्टी सिक्स के के की स्पीड से अगर आप लगवाते हैं या आप कह सकते हैं वन mb, बी वन एम बी की स्पीड में भी इंटरनेट होता है हमारे पास ठीक है मतलब uh, डिपेंड करता है कि आप जितनी भी स्पीड इसकी इंक्रीज़ करवाएंगे, ठीक है तो ये इंटरनेट आपको कौन प्रोवाइड करेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ठीक है जब इंटरनेट की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं डिफरेंट मंथली रेट्स पे आपको डीएसएल की स्पीड्स दे रहे होते हैं ठीक है प्रोवाइड कर रहे होते हैं है वन एम वन एम बी पी एस ठीक है फोर एम बी ठीक है सेवन एम बी ठीक है सो ये वो चीज़ हमारे पास क्या होते हैं डी एस एल स्पीड्स होती हैं ये ठीक है ये हमारे पास डी एस एल स्पीड्स होती हैं जो कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या है आई एस डी एन आई एस डी एन स्टैंड ऑन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इट प्रोवाइड मैक्सिमम स्पीड ऑफ वन ट्वेंटी एट के बी पी एस अगर हम इसको डी एस एल से कंपेयर करें तो ये तो डी एस एल से भी कम है ठीक है मतलब अभी सबसे ज़्यादा फास्ट जो चल रही है ना वो डी एस एल है ठीक है इन तीनों में सही ये फिफ्टी सिक्स के बी पी एस दे रही थी आई जो है 128 ट्वेंटी एट के बी पी एस इंटरनेट मैक्सिमम स्पीड इसकी होती थी ठीक तो अभी सबसे फास्ट मेरे ख्याल में कौन सा टू फिफ्टी सिक्स क्योंकि डी एस एल हमारे पास क्या है ब्रॉड बैंड नेटवर्कस हैं ब्रॉड बैंड वो होते हैं जो हमें टू फिफ्टी सिक्स पी एस या इससे ज़्यादा का इंटरनेट प्रोवाइड इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कर रहे होते हैं ठीक है सो so, हमारे पास आई एस डी एन आई एस डी एन भी क्या था एक टेलीफोन uh, लाइन थी ठीक है इंटीग्रेटेड सर्वे डिजिटल नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या थी हमारे पास वन ट्वेंटी के अगर हम देखें तो वन ट्वेंटी के ज्यादा है किससे डायलप लाइन से, से बट लेस किससे है डीएसएल से ठीक है इट ट्रांसमिट बोथ वॉइस एंड डाटा एट द सेम टाइम ओवर अ सिंगल केबल एक ही केबल पे ये आ, जो है आ, इंटरनेट भी प्रोवाइड मतलब वॉइस भी कॉल भी आप कर सकते हो ठीक है वॉइस भी आ, ट्रांसफर कर रहे हैं और जो डाटा आपने थ्रू इंटरनेट ट्रांसमिट करना है वो भी हो सकता था ठीक है सो ये इसकी इंपॉर्टेंट थिंग थी इट रिक्वायर्स डेट द यूजर्स हैज एस डी एन डिजिटल सब्सक्राइबर टेलीफोन सर्विस फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी ठीक है इट रिक्वायर्स डेट द यूजर हैज़ आई ये इसमें क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास ISDN सर्विस होनी चाहिए और ये कौन प्रोवाइड करता है ऑब्वियसली टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड कर देती हैं एंड यूजेस अ फास्टर मॉडेम देन मॉडेम देन डायल अप लाइन ठीक है modem than, modem than line, अब इसका जो फास्टर इसका जो मॉडेम होगा ठीक है वो डायल अप लाइन से ज्यादा फास्ट होगा ठीक है क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड ज्यादा है ना इसकी 56 केबी केबी पीएस थी तो ये डायलब लाइन के लिए मैक्सिमम स्पीड थी तो इसका जो है ना डायल्प मोडैम यूज होता था इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ठीक है इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करने के लिए आईएसडीएन सर्विस इज रीप्लेसड बाय फास्टर आई एसडीएन को भी किसने रिप्लेस किया था डीएसएल ने ठीक है डायलप मोडैम को रिप्लेस किया था आईएसडीएन ने आई एसडीएन को किसने रिप्लेस किया था डायल डीएसएल ने ठीक है नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो है सी डी एम ए टेक्नोलॉजी सी डी एम ए स्टैंड फॉर कोर डिवीजन मल्टीपल एस एस ठीक है इट इज़ अ वायरलेस सेलुलर नेटवर्क वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब ये कि इसमें आ, जो है वायर वगैरह यूज नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी ये इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा था ठीक है ओके सी डी एम ए सर्विस इंक्लूड शॉर्ट मैसेजिंग मतलब आप इस सर्विस को यूज़ करते हुए आप मैसेजिंग भी कर सकते थे वॉइस भी ट्रांसमिट कर सकते थे डाटा भी वीडियो ट्रांसमिशन भी कर सकते थे ठीक है मतलब वीडियो कॉल हो गई मैसेजेस हो गए ऑडियो कॉल हो गई डाटा uh, uh, हो गई ये सब आप ए, ए, एक ही टेक्नोलॉजी के अंदर एक ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप ये सारी uh, काम जो है वो कर सकते थे सारी इन सारी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते थे ठीक है इट कैन प्रोवाइड स्पीड ऑफ सेवरल एम्बीज फॉर वीडियो ट्रांसमिशन ठीक है बहुत से एम्बीज यूज़ करते हुए Uh, बहुत सर्विस ये की स्पीड ये प्रोवाइड करता था ठीक है uh, uh, वीडियो ट्रांसमिशन के लिए ठीक है सो so, uh, अगर हम देखें तो सी डी एम में टेक्नोलॉजी क्या है इट इज़ अ वायरलेस इज़ वायरलेस मतलब इसमें वायर यूज़ नहीं हो रही सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये और इसमें इसको यूज़ करते हुए हम शॉर्ट मैसेजिंग भी कर सकते थे वॉइस को भी मतलब कॉल वगैरह ऑडियो कॉल भी हो सकती थी ठीक है वीडियो ट्रांसमिटिंग मतलब वीडियो कॉल्स वगैरह भी हो सकती थी इन्फॉर्मेशन जो आपने ट्रांसमिट करनी हो आप वो भी यूज़ कर सकते थे ठीक है uh, वो भी अवेल कर सकते थे, थे इस फैसिलिटी uh, को ठीक है so, सो यहाँ तक हमारे जो है कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट टेलीफोन नेटवर्क के जो है वो एंड हो चुका है ठीक है so, सो आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो यू कैन आज टू मी थैंक यू सो मच